आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने रवि किशन केस में 2 अभिलेख प्रस्तुत करते हुए इस मामले की गंभीरता पूर्वक जांच की मांग की है। इसमें 3 जुलाई 2023 का इंडेलेक्स लॉ फर्म द्वारा अपूर्ण ठाकुर की ओर से रवि किशन को भेजना लीगल नोटिस है, जिसमें तमाम तथ्य प्रस्तुत करते हुए रवि किशन से अपने और अपनी बेटी शिनोवा के लिए कानूनी रूप से 1 मुश्त 20 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति तथा बच्ची के लिए प्रति माह समुचित भत्ते की मांग की गई थी। दूसरा अभिलेख 29 मार्च 2024 को अधिवक्ता विवेक कुमार पांडे तथा नीरज गुप्ता द्वारा अर्पणा ठाकुर की ओर से विभिन्न पदाधिकारियों को भेजी गई शिकायत है, जिसमें रवि किशन पर तमाम आरोप लगाते हुए समुचित कार्रवाई की मांग की गई है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ये दोनों अभिलेख से यह दिखता है अपर्णा ठाकुर द्वारा एक लंबे समय से अपने विधिक अधिकारों की मांग की जा रही है, किंतु रवि किशन के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा अब उसे 20 करोड़ की विधिक मांग को रंगदारी के रूप में दिखाकर हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराया गया है, जिसमें अपर्णा ठाकुर के अधिवक्ता विवेक कुमार पांडे को भी मुलजिम बना दिया गया है। उन्होंने इस FIR में इन बिंदुओं पर भी जाँच किए जाने की मांग की है। जहां रवि किशन की पत्नी द्वारा हजरतगंज थाने में दर्ज FIR में अपर्णा ठाकुर द्वारा 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने की शिकायत की गई है, वहीं मुझे प्राप्त वर्ष 2023 के एक लीगल नोटिस के अनुसार उन्होंने 20 करोड़ रुपए हर्जे खर्चे के रूप में एक मुश्त धनराशि मांगी थी। साथ ही इस FIR में नामित अधिवक्ता विवेक कुमार पांडे अपर्णा ठाकुर के अधिवक्ता हैं, जिनके द्वारा उनकी ओर से तमाम प्राधिकारियों को शिकायत की गई थी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनकी मैं पुलिस द्वारा गहन जांच किए जाने की मांग करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।